आइए एक स्टॉक जो आज है बड़े एक्शन में और वो है शोभा लिमिटेड। बढ़िया तेजी होती दिख रही है, इस तेजी की वजह क्या है जान लेते हैं पूजा हमारे साथ है बताने के लिए। पूजा बताइए। जी, ढेर सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही हैं। शोभा इस वजह से आज 6% ऊपर और दिन की ऊपरी स्तर के पास कारोबार कर रहा है। प्री सेल्स नंबर्स तो इनके थोड़े कमजोर ही थे, लेकिन उसके अलावा कंपनी के राइट्स इश्यू और नए लॉन्चेस के चलते जो कमेंट्री आई है उसकी वजह से आज ये स्टॉक भाग रहा है। नए लॉन्चेस से वित्त वर्ष 2025 की बिक्री बुकिंग गाइडेंस हासिल करने में मदद मिलेगी, ये कुछ रिपोर्ट्स का कहना है। और राइट्स इश्यू जो जुटाया है, 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं राइट्स इश्यू के जरिए, वो भी काफी बड़ा पॉजिटिव है यहाँ पर कंपनी के लिए। इसके अलावा बेंगलुरु में मजबूत डिमांड और रियलाइजेशन नजर आ रही है, कर्ज में कमी, बैलेंस शीट में जो लेवरेज है वो कम हो रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में सुधार है। अगले 2 से 3 साल में कंपनी मुंबई और नोएडा मार्केट के लिए भी लॉन्ग टर्म प्लान और स्ट्रेटेजी उनकी तैयार है। इस बीच अगले 3-4 साल में 18% के औसत प्री सेल ग्रोथ का भी अनुमान है, और इसके अलावा लैंड रिजर्व जो है उनके जरिए भी कंपनी मोनेटाइजेशन करेगी जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं शोभा के लिए, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक पॉजिटिव रिपोर्ट्स ही आई हैं यहाँ पर कंपनी पर। HSBC ने टारगेट्स बढ़ाए, 2150 का कर दिया है खरीदारी किराए के साथ। इन्वेस्टेक ने कवरेज शुरू कर दी है कंपनी पर बाइंग की रेटिंग के साथ, और लक्ष्य 2150 का देख रहे हैं। और ICICI सिक्योरिटीज के तो लगभग टारगेट्स अब हासिल हो ही चुके हैं, एड किराए दी थी और 1600 के ऊपर के टारगेट से जो कि लगभग आज के दिन हासिल हो चुके हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है जिस वजह से आज शोभा में तेजी है। शोभा में अच्छी खासी स्ट्रेंथ और अभी भी हम देख रहे हैं हरे निशान में कारोबार हो रहा है। सुदीप जी, शोभा पे कोई राय इस समय? शोभा पे अगर हम देखें तो जो हिसाब से नेहा जी पिछले 3 या 4 हफ्तों से 1500 के आसपास के लेवल से स्टॉक रिबाउंड कर रहा है, पर हालांकि ऊपर के साइड 1660 1680 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है वीकली बेसिस पर। तो मुझे लग रहा है कि बायोन डिप्स करे, 1500 का एक स्टॉप लॉस, 1525 1530 का एक स्टॉप लॉस रखे, और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अब ये लोअर लेवल से रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे भी अगले 2-3 सेशंस में मुझे लग रहा है एक बायोन डिप्स का अप्रोच रखे, और 1525 के स्टॉप लॉस से ओवरऑल मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ 1700 और 1730 के लेवल्स आ सकते हैं। 1700-1730 के लेवल दिख रहे हैं, और आज सुबह पिक ऑफ द डे बतौर बंसल जी ने भी इसे रेकमेंड किया था, उनके भी टारगेट्स मीट होते हुए दिखे।